आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक पर। हम अगले वीडियो में पढ़ चुके थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम इस चैप्टर के अंतर्गत दूसरा नियम पढ़ेंगे, यदि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब निम्नलिखित निम्नलिखित नियमों के अनुसार चेंज हो जाता है, निम्नलिखित नियमों के अनुसार यदि तो देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है तो वह पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होगा, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा, यदि पास्ट इंडिफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, हम इन नियमों को विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस में है, इनडिफिनिट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब पास्ट इनडिफिनिट टेंस यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदल जाएगा। नंबर एक ही सेड कामा नोटेड कामा मोहन रीड्स आ बुक तो ही सेड दैट मोहन। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदल जाएगा, तो इसका सेकंड फॉर्म लगेगा, रीड का सेकंड फॉर्म रेड होता है, रीड रेड रेड तो मोहन रेड आ बुक ही सेट काम हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, उसके पश्चात थर्ड पर्सन है, प्रोनाउन थर्ड पर्सन है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसके बाद रीड्स का रेड हो जाएगा अब दूसरा
He said to me, I write a letter. He said to me, I write a letter. He said to me, I write a letter. तो he said to का told में बदल जाएगा. Told me काम हटाने के लिए that का प्रयोग करेंगे. I pronoun है, first person है, इसलिए यह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा. ही के अनुसार तो यहाँ ही हो जाएगा. और इसका टेंस बदलेगा, ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ रोट हो जाएगा. ही रोट अ लेटर. ये पुनः देख लीजिए. ही सेट कामा नोटेड कामा मोहन रीड्स अ बुक. तो ही सेट दैट. अब मोहन थर्ड पर्सन है, नो चेंज, मोहन ही लिखा जाएगा. रीड्स ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, नियम है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदल जाएगा. तो अब इसका सेकंड रूप, रीड का सेकंड रूप होता है रेड. रेड सेकंड और थर्ड, तो यहाँ सेकंड रूप लगा रेड अ बुक. अब ऐसे ही दूसरा वाक्य ले लीजिए. ही सेड टू मी कामा एनोटेड कामा आई राइट ए लेटर. तो अब ही सेड टू का टोल हो जाएगा मी दैट. अब आई फर्स्ट पर्सन है, यह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, इसलिए इसका कर्ता ही हो गया. अब राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है तो ही रोट अ लेटर. अब हम दूसरा नियम देखते हैं. यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड वर्ब पास्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता है. पास्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता है जैसे हरी सेड सोहन इज राइटिंग अ लेटर. तो देखिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनता है. हरी सेड काम हटाने के लिए दैट. सोहन थर्ड पर्सन नो चेंज. अब यहाँ पास्ट टेंस है तो ये भी पास्ट कंटिन्यूअस यहाँ वाज हो जाएगा. राइटिंग अ लेटर अर्थात हरी सेड दैट सोहन वाज राइटिंग अ लेटर. दूसरा उदाहरण देखते हैं. हरी सेड दी
पोस्टमैन। कामा नोटेड कामा हरी सेट द पोस्टमैन कामा नोटेड कामा मोहन एंड सोहन मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग क्रिकेट आर प्लेइंग क्रिकेट CRICKET प्लेइंग क्रिकेट। तो देखिए ये कैसे बनेगा, हरी टोल्ड दी जहाँ सेट, देखिए हरी सेट टू दी पोस्टमैन, हरी सेट टू दी पोस्टमैन, तो हरी टोल्ड दी पोस्टमैन, जहाँ सट्टू रहता है वहाँ टोल्ड कर दिया जाता है, हरी सट्टू दी पोस्टमैन, तो हरी टोल्ड दी पोस्टमैन, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है और जब ऑब्जेक्ट दिया रहता है तो सट्टू टोल्ड में बदल जाता है पोस्टमैन काम हटाने के लिए दैट। अब ये पास्ट टेंस में है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इसलिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो देखिए मोहन एंड सोहन वी आर प्लेइंग पीयर प्लेइंग क्रिकेट्स। देखिए तीसरा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। जैसे ही सेड टू मी आई हैव रिटर्न आ लेटर, तो ही टोल्ड मी दैट आई बदलेगा ही के अनुसार, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। तो हम आपको बता चुके हैं यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन में है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ ही हो जाएगा। अब टेंस में परिवर्तन के नियम के तहत है, यदि यह
प्रेजेंट परफेक्ट में है, और ये अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट में हेड लगता है, हेड लगाएंगे सहायक क्रिया रिटर्न आ लेटर, सुमन हैज फ्लोन फ्लोन आ काइट कामा नोटेड कामा। अब ही सेड दैट सुमन, देखिए पास्ट टेंस में है तो सुमन हैड फ्लोन अ काइट। चौथा नियम देखिए, यदि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब पर प्रेजेंट पर फैक्ट कंटीन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाता है, से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाता है जैसे ही सेड टू मी कामा नोटेड कामा द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फॉर टू आवर्स कामा नोटेड कामा, ही सेड टू मी कामा नोटेड कामा द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फॉर टू आवर्स। तो देखिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं, ही टोल्ड मी कामा हटाकर दैट लगाते हैं, थर्ड पर्सन नो चेंज। अभी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो ये पास्ट टेंस में अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर रिपोर्टेड वर्ब है तो यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, तो यहाँ हैड बीन लगा दिया जाएगा, हैड बीन प्लेइंग फॉर टू आवर्स। दूसरा रमेश सर टू मी कामा नोटेड कामा द बॉयज हैव बीन बाथिंग सिंस टू ओ क्लॉक। देखिए ये कैसे चेंज होगा, रमेश सेड टू कहे जगह पर टोल्ड मी
दैट द बॉयज हैव बीन के जगह पर हैड बीन, बाथिंग सिंस 2 o'clock. ठीक, देखिए ही सेड टू मी, इसको फिर से पुनः देखेंगे. ही सेड टू मी कामा नोटेड कामा द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. तो अब इनडायरेक्ट जब हम इसका बनाते हैं तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं. तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर पास्ट टेंस में है तो सेट का टोल्ड में लिख दिया गया, ऑब्जेक्ट में लिख दिया गया, टू को हटा दिया गया, तो ही टोल्ड मी दैट. अब थर्ड पर्सन नो चेंज द बॉयज. अब ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है. तो हैव बीन के जगह पर हैड बीन कर देंगे, बाकी सेम वही लिख देंगे प्लेइंग फॉर 2 hours. ऐसे ही दूसरे उदाहरण में देखें, रमेश सेड टू मी कामा नोटेड कामा द बॉयज हैव बीन बाथिंग सिंस 2 o'clock. तो यहाँ पर भी ऐसे रमेश सेड टू मी के जगह पर टोल्ड मी हो जाएगा, कामा हटाने के लिए दैट लगा देंगे, द बॉयज थर्ड पर्सन नो चेंज द बॉयज कर देंगे. अब यहाँ भी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में है, इसलिए यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन लग जाएगा, हैड बीन बाथिंग सिंस 2 o'clock. यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडिफिनिट यानी सिंपल पास्ट इंडिफिनिट. यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडिफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर जाता है. पास्ट इंडिफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है. जैसे सी सेड कामा नोटेड कामा आई बट आपन. देखिए सी सेड कामा नोटेड कामा आई बट ये पेन. अब ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म लगा हुआ है. तो सी सेड दैट आई फर्स्ट पर्सन है. यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन में है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ सी हो जाएगा. अब ये पास्ट टेंस में है तो ये पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा, यानी हैड लगेगा और क्रिया का थर्ड फॉर्म बट आई बट पेन. हम दूसरा उदाहरण देखते हैं. द बॉय सेड टू मी द बॉय सेड टू मी आई पेंट टू खरगुपुर. तब हम देखते हैं द
वाई सेट टू के जगह पर टोल लिखेंगे, कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट आई फर्स्ट पर्सन है, ये बॉय के अनुसार चेंज होगा तो यहाँ पर ही लिखा जाएगा ही थर्ड। अब ये जो है पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है तो यहाँ पर हैड लगाया जाएगा, आई हैड थर्ड फॉर्म गान, आई हैड गान टू खरगोपुर। अब देखेंगे यदि यदि रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब पर पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब रिपोर्टेड स्पीच स्पीच का वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस वर्ब का टेंस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस से पास्ट परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाता है, जैसे he said to me, comma inverted comma I was writing a letter, तब हम इनडायरेक्ट देखिए कैसे बनाते हैं, ही सेट टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, कामा हटाने के लिए दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, अब आई फर्स्ट यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन में है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, प्रोनाउन चेंज में हम बताए हैं तो यहाँ पर आई को हम चेंज करेंगे तो यहाँ ही हो जाएगा। अब अभी अभी बताए हैं कि ये अगर पास्ट टेंस में है और अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस में है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, हैड बीन लगता है, तो ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर, या कह सकते हैं अगर रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब वाज है तो वाज को हैड बीन में बदल देते हैं, ऐसे अगर प्रेजेंट टेंस में है यानी बी रूप में है इज एम आर है तो वह वाज वेयर में बदल जाता है। देखिए इसका दूसरा नेम उदाहरण देख लीजिए, द फादर सेट द फादर सेट कामा नोटेड कामा दे वी आर गोइंग टू मार्केट, तो द फादर सेड द फादर सेड दैट, देखिए यहाँ पर खाली सेट दिया हुआ है तो इसलिए सेड ही लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट
दिया नहीं है तो इसलिए टोल में नहीं बदलेंगे। तो द फादर सेट दैट, आप दे थर्ड पर्सन है तो दे को ही लिख देंगे, नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो द फादर सेट दैट दे, अब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे तो यहाँ हैड बीन लग जाएगा, हैड बीन गोइंग टू मार्केट। इस प्रकार हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम इसके आगे का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।